मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की ठिकरी नगर में अतिक्रमण के विरोध में व्यापारियों ने मार्केट बंद कर धरना दिया। व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष महाजन ने कहा कि 28 दिसंबर को व्यापारियों ने तहसील कार्यालय में दस्तावेजों के साथ जवाब दिया। इसका प्रत्युत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, ना ही खाली करने का कोई नोटिस प्राप्त हुआ। पिछले 10 दिनों से व्यापारियों में भय का वातावरण बनाया गया। हमारी मांग है कि दुकान टूटने के बाद व्यापारियों को बसाने की व्यवस्था की जाए, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण चलता रहे। वहीं नगर पंचायत बनने के बाद मूल लागत राशि पर वह दुकान व्यापारियों को अधिकार पूर्ण रूप से दुकान मालिक को दिया जाए। ठिकरी से संवाददाता की रिपोर्ट। कल भी देंगे जब तक सरकार अपनी समस्या नहीं सुनेगा, जब तक अपन लोग ना सब लोग ना यहाँ बटलू छे और जो भी जनप्रतिनिधि आओ वो स्वागत छे, वो वेलकम छे, उनका सब लोग से बात कर लू, जिनका माध्यम से अपन अपनी बातचीत ना पहुंचाणू छे भैया। ये 28 दिसंबर को व्यापारियों ने तहसील कार्यालय में दस्तावेज सरकार से सताए जा रहा, मजबूर हो गए वो अपना आशियाना जिसने इनके तिनके से जोड़ा था खुद तोड़ रहा है और इसमें बहुत सारे लोग शामिल है। ये मत समझो कि शामिल नहीं है, साजिशें नहीं है, तो अपना नाम आज तो नहीं पर भविष्य में जरूर उजागर करने वाला हूँ। के लिए जो धरना दिया गया उसमें आप शामिल हुए, क्या बात हुई आपकी? देखो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है छोटे लोगों के साथ में, गरीबों के साथ में, अतिक्रमण तोड़ना चाहिए पर बड़े भूमाफिया का तोड़ना चाहिए। बेचारे जो सुबह कमाते हैं शाम को रोटी खाते हैं, इस प्रकार के छोटे लोगों का ठेले दुकानें छोटी छोटी दुकानें हटाने का जो सरकार प्रयास कर रही है बहुत गलत कर रही है। मैं आज अपनी मेरी लोकसभा के ठिकरी में आया हूँ और मैं यहाँ आश्वस्त करके जा रहा हूँ कि मैं शासन प्रशासन से बात करूँगा और शासन प्रशासन इस बात को मान जाए तो ठीक है, नहीं तो आगे की जो लड़ाई हमको रोड पर लड़ना है, रोड की लड़ाई भी हम लड़ेंगे। जयराम जी ठीक है भाई, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।